नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अपनी रसोई में। और दोस्तों, आज हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक लाए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली हैं। क्या आप अपने कुकर से परेशान हैं? जब भी कोई दाल वगैरह सब्जी वगैरह बनने रखते हैं तो साइड से निकल निकल कर सारा काउंटर टॉप आपका गंदा हो जाता है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया टिप बता रही हूँ कि दाल रखने से पहले आप कुकर का ढक्कन लें और उसमें आधा चम्मच घी लगा दें, तेल लगा दें, कुछ भी जो भी आप ऑयल लगाते खाते हैं उसको आप बहुत ही अच्छे से पूरे ढक्कन पर अच्छे से लगा दें, और किनारियों पे भी और बीच की जो नोजल होती है उसमें भी। उसके बाद अगर आप दाल पकाएंगे तो आपकी दाल साइड से बिल्कुल भी नहीं निकलेगी और सीटी से भी एक भी छींट नहीं पड़ेगा, तो इससे आपकी रसोई गैस भी साफ रहेगी और आपका जो चूल्हा है वो भी गंदा नहीं होगा। तो ये बहुत ही खास टिप है, अगर आपको अच्छी लगे, आपके लिए उपयोगी हो तो एक बार जरूर आप ट्राई करना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं दूसरी टिप के पास। तो दोस्तों, दूसरी टिप है हमारी कि जब भी आप दाल मखनी बनाते हैं, दाल मखनी के तो सभी अक्सर कर शौकीन होते हैं, तो अगर आपकी दाल मखनी अच्छी नहीं बनती है, गाढ़ी नहीं बनती है, तो सबसे बेहतरीन एक टिप बता रही हूँ कि थोड़ी थोड़ी दाल आप चम्मच की हेल्प से इस तरह से मैश कर दें। और अगर उसमें मैश करने में आपको तकलीफ होती है तो थोड़ी सी दाल आप लेकर मिक्सी जार में उसको पीस लें, और पीसने के बाद आप उसको दाल में ऐड कर दें। इससे आपकी दाल मखनी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है, आप इसको बेझिझक ट्राई कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। चलते हैं तीसरी टिप की तरफ। अगर आपकी दाल स्वादिष्ट नहीं बनती है तो दाल को बनाने से पहले आप आधे घंटे के लिए दाल भिगो कर रखें, इससे आपकी दाल बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। बहुत ही अच्छा तरीका है, आप इसको आजमा सकते हैं। उसके बाद आप अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये तरीका कैसा लगा। अगली टिप है दोस्तों, जब भी शिमला मिर्ची बनाते हैं तो भरवा शिमला मिर्ची बनाते हैं, अक्सर कर बहुत सारे परिवारों में बच्चों को, बड़ों को, सभी को पसंद आती है। तो हम क्या करते हैं, ग्रेवी के अंदर जो स्टफिंग वाली शिमला मिर्ची होती है वो अंदर डाल देते हैं, तो उससे हमें उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो इसके लिए आप क्या करें, जब भी शिमला मिर्ची भरवा बनाए, चाहे कट करके बनाए या फिर फुल भर के बनाए, तो उसके लिए आप ग्रेवी अलग बना लें और शिमला मिर्ची की फिलिंग और शिमला मिर्ची हल्की सी अलग स्टीम करें, उसके बाद ग्रेवी बनाएं। और ग्रेवी आप अपनी इच्छा से बना सकते हैं, मसालेदार या फिर फीकी या फिर तीखी, जैसी आपकी फैमिली में लोग पसंद करते हो। उसके बाद सर्व करते टाइम आप शिमला मिर्ची रखेंगे, उसके ऊपर से ग्रेवी डालेंगे तो बहुत ही लाजवाब टेस्ट आएगा। आप इसको जरूर ट्राई करें, पराठा, चपाती, रोटी, किसी के साथ भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन सब्जी लगती है। तो दोस्तों, ये टिप अगर आपको अच्छी लगे तो आगे भी शेयर करना। चलते हैं अगली टिप की तरफ। दोस्तों, जब भी हम मटर की कोई भी रेसिपी बनाते हैं, मटर पनीर बनाए या फिर कोई भी आलू मटर की सब्जी बनाए, तो बनाने से पहले अगर हम मटर को थोड़ा सा पानी में भिगो दें तो बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है। तो दोस्तों, अगली टिप है हमारी, जब भी हम सेजवान की चटनी बनाते हैं घर में, टमाटर की चटनी, मोमोज की चटनी, तो अगर हमारी चटनी तीखी ज्यादा हो जाती है तो समझ में नहीं आता है क्या करें, वो खाने लायक अगर नहीं होती है, तो आप सबसे बढ़िया ऑप्शन है एक चम्मच इसमें तेल डालें और उसके बाद दोबारा से मिक्सी जार में पीस लें, इससे आपकी चटनी का टेस्ट भी बढ़िया आएगा, चटनी गाढ़ी भी होगी और आपका तीखापन भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों, अगली टिप है हमारी कि ब्रेड पकौड़ा खा के अगर आप हो गए हो बोर, तो इस तरह के आप ब्रेड पकौड़े बना सकते हैं, गोल सर्किल में आलू अंदर फिलिंग किया हुआ है और उसके बाद इसको बेसन में डिप करिए, और डिप करने के बाद आप इसको तेल में फ्राई करिए, आपके बच्चे बड़े ही चाव से खाएंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है और खाने में भी अच्छा लगता है, और बच्चे जब देखते हैं कि थोड़ा अलग चीज बनी है तो बहुत ही मन से खाते हैं। सॉस, चटनी, जिसके साथ आपकी फैमिली में पसंद हो, आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही आसान है और डिफरेंट भी है और दिखने में भी बहुत ही लाजवाब लगती है। तो किसको पसंद नहीं होते हैं कि जो रेसिपी डिफरेंट हो, अच्छी हो और बच्चों को खासकर पसंद हो, तो जरूर आप एक बार ट्राई करें।
तो चलिए चलते हैं अगली टिप की तरफ। दोस्तों अगली टिप है हमारी कि मिर्ची की जब हम भजिया बनाते हैं तो बेसन का जो घोल बनाते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा एक चुटकी आप डाल लें बेकिंग सोडा और एक चम्मच आप आटा मिला लें, उसके बाद आप घोल बनाएं। और दूसरी बात है कि जब मिर्ची को आप डिप करते हैं उससे पहले कट करने के बाद हरे धनिया की चटपटी चटनी उसके अंदर फिल कर दें। जो हमने कट लगाया ना, बहुत ही अच्छे से चटनी को फिल कर दें। और फिल करने के बाद आप इसको बेसन में लपेट कर जब इसकी भजिया बनाएंगे तो बहुत ही शानदार टेस्ट आएगा। तो आप इसको डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और दोस्तों ये देखिए हमारी भजिया बनके तैयार है, गरम गरम सर्दी के मौसम में ज़रूर आप अपने परिवार में बनाएं और खिलाएं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो जाते जाते वीडियो लाइक कर दें, और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने परिवार का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त।